फाइलम प्रोटोजोआ। आज हम इनवर्टिब्रेट के फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा संघ है। एक कोशी के शरीर में ही सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी संपन्न होती है। इसकी वजह से डोबेल ने इसे सेलुलर जंतु नाम दिया। इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। प्रोटोजोआ जो वर्ड है वो किसने दिया था? गोल्डफिश ने दिया था। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजुओलॉजी कहते हैं। जंतु विश्वव्यापी होता है या फिर सर्वव्यापी होता है? सारी जगह प्रेजेंट होता है। ये सूक्ष्मदर्शीय होते हैं, जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, अमीबा जैसे कि अमीबा है, और या फिर पैरासाइट होते हैं जिसके अंदर वो किसी इसको अपने जीवन के रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। अब ये सिंगल होते हैं या फिर कॉलोनी बनाकर रहते हैं। प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक होता है, मींस इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का बना हुआ होता है, कलरलेस होता है, सेप होता है इसका। इसकी जो सेप होती है वो गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, घंटी नुमा होती है, स्पिंडल नुमा होती है और चप्पल नुमा होती है। सिमेट्री होती है इसकी, ए सिमेट्री होती है। अब इसका जो शरीर, इसकी जो बॉडी होती है प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है। उसके बाद ये जीव द्रव्य होता है, उसका एक केंद्र की होता है या फिर बहुत सारे केंद्र किसे प्रेजेंट होते हैं। इसके जीव द्रव्य के चारों तरफ या तो फिर इसके कोई कोई ना कोई सॉफ्ट जो कि नाजुक जो कि सॉफ्ट मेम्ब्रेन का आवरण होता है, या फिर आवरण एब्सेंट जो भी कवरिंग होती है वो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। अब ये है प्रोटोजोआ के कुछ ग्रुप में कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका से बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इसके शरीर जीव द्रव्य के बाद किसी किसी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका का बना हुआ ठोस आवरण होता है, जो कि जिसको अपन से कैल्शियम सिलिका का बना हुआ एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल है रेडियोलेरिया ग्रुप में आते हैं और ये फोरा मिनी फोरा ग्रुप। न्यूक्लियस की जो संख्या होती है एक या फिर एक से अनेक तक होती है, और किसी के अंदर कुछ केंद्र की द्विरूपता भी प्रदर्शित होती है। जैसे कि एक बैरामिसियम में इसमें एक माइक्रो न्यूक्लियस होगा जिसका आकार छोटा होगा, और दूसरा होगा मेरा मैक्रो न्यूक्लियस जिसका जो न्यूक्लियस का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है, इस प्रकार इसमें अधिकोशिकीय कार्य के सम विभाजन पाया जाता है। अब इसके अंदर इसको भी लोकोमोशन, इसको भी एक जगह से दूसरे जगह पर चलने के लिए, कोई तो नॉन मोटाइल होते हैं, कोई तो एक जगह पे चिपके हुए रहते हैं, और कोई होते हैं जो कि जिनको गमन की जरूरत होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो इसके अंदर किसके कैसे कैसे वो अपना लोकोमोशन करते हैं? सीडोपोडिया के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा, सीलिया के द्वारा, एक या फिर कॉन्ट्रैक्शन संकुचन के द्वारा, जिसके अंदर उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो संकुचित होता है। अब उसके बाद जो जो मेरा सीडोपोडिया होता है, जो कि सीडोपोडिया जो कूटपात जो बनता है वो अंगुली टाइप का होता है, जैसे कि ये इसका उदाहरण है अमीबा। अब चप्पूनुमा होता है जैसे कि पतवार की तरह होता है, इसके अंदर नाव की जो पतवार होती है उसकी तरह होता है। फ्लैजिला होता है जो कि बहुत लंबा होता है, और ये इसका जो उदाहरण है युगलीना। तीसरा जो उदाहरण है केशनुमा, इसके अंदर इसकी बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसके छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि इसे लोकोमोशन में मदद करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। सीलियम, इसका जो उदाहरण होता है पैरामेसियम है। अब कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू नॉन और कोई नॉन मोटाइल होते हैं। अब उसके बाद मेरा थर्ड जो मेरा न्यूट्रिशन है, उसके बाद न्यूट्रिशन वाला पॉइंट आता है। इसके अंदर मेरे पास प्राणी सम
मीन्स होलोजॉइक, एक जैसे कि अपन जैसे अंदर अपन लेते हैं, जैसे इंसान की तरह ये भोजन करते हैं, अंदर ही लेते हैं और उसका पाचन करते हैं। पादप की तरह मीन्स फोटोसिंथेसिस होलोफाइटिक होता है, पादप की तरह कुछ पादप की तरह करते हैं, कुछ मिश्रपोषी होते हैं जो कि मीन्स जो कि होलोजॉइक भी होते हैं और होलोफाइटिक भी होते हैं। इसका उदाहरण होता है यूग्लिना। और कुछ परजीवी होते हैं स्पोरोजॉइक होते हैं या फिर पैरासाइटिक। इसके अंदर होस्ट पे ये होस्ट से ही अपना भोजन लेते हैं। इसका उदाहरण होगा प्लास्मोडियम। डाइजेशन होगा, ठीक है, अंतःकोशिकीय होता है, इसके अंदर डाइजेशन होता है, अंतःकोशिकीय होता है। इसके अंदर ये होता है कि वह कोशिका के अंदर ही इनका डाइजेशन होता है, कोशिका एक्स्ट्रा सेलुलर ना होके अंतःकोशिकीय होता है, मीन्स बाहर ना होके अंदर कोशिका के अंदर इसका पाचन होता है, जो कि एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं और इसके थ्रू इसका पाचन होता है। अब जो ये मेरा अंतःकोशिकीय जो मेरा जो पाचन होता है, जो कि वो खाद्य रिक्तिका फूड वैक्यूल में संपन्न होता है। फूड वैक्यूल जो होती है ना, उसके अंदर ये संपन्न होता है। इसको अपन उसके बाद आता है रेस्पिरेशन, श्वसन और उत्सर्जन। अधिकतर के अंदर रेस्पिरेशन और जो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वो बॉडी के सरफेस के थ्रू होती है, क्योंकि इसके अंदर जो जैसे कि उनका जो आवरण होता है, जो कि बॉडी के ऊपर जो आवरण होता है बहुत सॉफ्ट होता है, जो कि जहाँ से गैस जहाँ से ऑक्सीजन CO2 वगैरह ईजीली वहाँ से परमिएबल हो जाती है। अब किसी किसी के अंदर एक्सक्रीशन कुछ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यू संकुचनशील राजधानियों के द्वारा होता है। अब उसके बाद मेरा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कि इसके अंदर जो एक्सक्रीशन के दौरान जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक जो जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो इस प्रोटोजोआ के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है किस रूप में निकलता है, वो अमोनिया के रूप में निकलता है। अब कुछ फ्रेश वाटर होते हैं प्रोटोजोआंस। बॉडी में वाटर की मात्रा को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल द्वारा कंट्रोल करते हैं। जैसे कुछ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि बॉडी में वाटर की मात्रा को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील राजधानियों के द्वारा कंट्रोल करते हैं, और जिसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इस हेतु अमीबा में एक और पैरामेशियम में दो संकुचनशील राजधानियाँ पाई जाती हैं। अब उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जनन कैसे होता है, अलैंगिक होता है और लैंगिक प्रकार का होता है। अब जो असेक्सुअल जो मेरा रिप्रोडक्शंस है वो कितने कितने प्रकार के होते हैं और किस किस में होता है। अब द्विविखंडन जो है वो अमीबा में होता है, इसके अंदर दो विखंडन हो गए और इस तरीके से ये द्विविखंडन होता है, बाइनरी फिशिंग। इसका उदाहरण होता है अमीबा। अनुप्रस्थ विखंडन किसमें होता है, पैरामेशियम में। अनुदैर्ध्य विखंडन ट्रिपेनोसोमा में और यूग्लिना में। बहु विखंडन बहुत सारे प्लाज्मोडियम में। और पांचवा होता है मुकुलन के थ्रू। फर्स्ट होता है इसके अंदर सल्यन फ्यूजन प्लाज्मोडियम में होता है। सेकेंड होता है कॉन्जुगेशन पैरामेशियम में। अब इसमें क्या होता है कि जो उसका सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म होता है वो इसकी जो बॉडी के अंदर जो जीव द्रव्य होता है सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में डिवाइडेड नहीं होता है, तो इस तरीके से ये इमॉर्टल होता है। अब इसके विभाजन के बारे में भी, इसको कितने कितने ग्रुप में बांटा गया है वो भी अपन देख लेते हैं। इसको प्रोटोजोआ का दो सब फाइलम में बांटा गया है। फर्स्ट है प्लाज्मोड्रोमा और सेकंड है मेरा सीलियोफोरा। अब जो मेरा प्लाज्मोड्रोमा है इसके अंदर फ्लैजिला या सुडोपोडिया लोकोमोशन ऑर्गन होते हैं, या फिर चलन जो कि जो फ्लैजिला और सुडोपोडिया है उनका अभाव होता है, मीन्स एब्सेंट होते हैं। अब इसमें केंद्रक एक प्रकार के होते हैं। अब इस सब फाइलम को तीन क्लास में डिवाइडेड किया गया है।
फर्स्ट क्लास है मेरी मेस्टिगो फोरा, सेकंड है सार्को डीना, तीसरा है मेरा स्पोरो जुआ। फर्स्ट जो मेस्टिगो फोरा है उसके अंदर एक या फिर एक से अधिक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है युगलिना। सार्कोडीना, इसके अंदर कूट पादों सूडोपोडियों के द्वारा चलन एवं भोजन ग्रहण किया जाता है। स्पोरोजोआ, चलन अंगों का अभाव, इसके अंदर चलन अंग का अभाव होता है। सभी पैरासाइटिक होते हैं, सामान्यतः बीजाणु बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। उदाहरण इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब इसका सेकेंड फाइलम है सीडियोफोरा। इसका जो इसके अंदर जीव इसके अंदर सीलिया होते हैं, लोकोमोशन के लिए सीलिया होते हैं, और इसके अंदर केंद्रक दो प्रकार के होते हैं। इसको दो क्लास में डिवाइडेड किया गया है, सीलिएटा, दूसरा है सक्टोरिया। फर्स्ट जो मेरा जो इसका क्लास है सीलिएटा, इसके अंदर सीलिया के द्वारा लोकोमोशन होता है। इसका एग्जांपल है पैरामेशियम। सीलिया के द्वारा यंग स्टेज के अंदर ये सीलिया के द्वारा होता है, और जब इसका जब एक वक्त पे इसको ये जब आयु बढ़ जाती है, एज होने लग जाती है, तो उसको टेंटिकल्स के द्वारा चलन होता है। इसका एग्जांपल है पोडोफायरा। अब जो ये मेरा जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो जंतुओं के लोकोमोशन के आधार पर इसका इसको दो सब फाइलम में डिवाइडेड किया गया है।